सपरिकर आए और उनके जो परिकर वो पांच हैं, पंच तत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। तो इन पांच में से जो चतुर्थ तत्व है, जो भक्त तत्व है, वो है श्रीवास ठाकुर। और पांच मिलकर के भगवान स्वयं पांच में प्रकाश किए, जो चौथा प्रकाश है वो उनके श्रीवास ठाकुर है। इसलिए कहा गया है शिवासादि कोटि कोटि शुद्ध भक्त गण सर्वाभिष्ट सिद्ध है जहर स्मरण। शिवासादि भक्तगण के स्मरण करने से समस्त अभिष्ट सिद्ध हो जाता है। हाँ, ऐसे शुद्ध भक्तगण के हैं। तो उनको परिचय देते हुए श्रीमन महाप्रभु जब प्रेम कल्पतरु का वर्णन करते हैं, प्रेम वृक्ष का, जिसका अंकुरोद्गम तो माधवंदपुरी से हुआ और स्वयं मूल स्कंध के रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही रहे, तो उनके जो शाखा प्रसा का वर्णन में इसमें शिवास पंडित का नाम आता है। शिवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। वो चारों भाई थे, चारों ही शाखा होंगे, दो भाई मेन शाखा हो गए, शिवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदित। जगत विदित है, दोनों भाई दो शाखा हैं। श्रीपति श्रीनिधि आर दुई सहोदर, इन दोनों भाई के और दो भाई थे, टोटल चार भाई थे। क्या क्या था? श्रीपति और श्रीनिधि। श्रीपति श्रीनिधि आर दुई सहोदर चारि भाई र दास दासी गृह परिकर। बोले चार भाई नहीं, और चार भाई के उनके पत्नी, उनके दास दासी पुत्र गृह परिकर सब, उनके जितने नौकर चाकर सब। दुई शाखा र उप शाखाए ताहा सवार गणना, ये जो तो मुख्य शाखा शिवास और श्रीराम, उनके सारे उप शाखा ये सब है। दुई शाखा र उप शाखाए ता सवार गणन जार गृहे महाप्रभु सदा संकीर्तन। जिनके घर में शिवाज सिंह महाप्रभु का कीर्तन आरंभ हो, मुख्य कीर्तन, जार गृहे महाप्रभु र सदा संकीर्तन सवन से कर नजारा चैतन्य दुई सखार उपसाखाए जहर गणना। जो उनके पुत्र परिवार के समेत जो मुख्य उपसाखाएं हैं सारे, जिनके घर में महाप्रभु सदा संकीर्तन करते थे। सवन से करे नजारा चैतन्य र सेवा गौरचंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा। गौरचंद्र के अलावा और कोई देवी देवता उनको नहीं जानते, कोई मतलब नहीं, सब अनुष्य केवल गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार श्री शिवास पंडित, आज उनके शुभ आविर्भाव तिथि है। ऐसे अन्य गौड़ीय ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जैसे चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में तो अशेष लीला शिवास ठाकुर के है, लेकिन उनके जन्म के बारे में प्रेम विलास में इसे पता चलता है कि वो चार भाई थे, पांच भाई थे। एक भाई के देहांत हो चुका था, उनके एक बेटी था, उनका बेटी जन्म होने के समय माता पिता दोनों के देहांत हो चुका था। आप बेटी को आप जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध है, उनका नाम नारायणी, जिनके बेटा है वृंदावन दास ठाकुर, जिनके भजन आज हमने गाए, वही उनके शिवास पंडित का भातृस्पुत्री, भाई के बेटी का बेटा, तो क्या होगा उनका, भांजा, भांजा तो होगा, क्या ना, क्या भांजा होगा ना, शिवास पंडित के बड़े भाई के बेटी के बेटा, हाँ, नाती, हाँ, भांजा बोल रहे हैं। अरे आप लोग सब इंडियन है या वेस्टर्नर है?
वही मुझे कंफ्यूज आप लोग अरे भाई के बेटी या बेटा तो अपना ही बेटी बेटा समान ही हुआ ना, और उनके बेटा तो नाती पोते होंगे, भांजे कैसे हो जाएगा नहीं कर्मचारी बोले ऐसा मैं तो इसलिए पूछा कि भाई संसारी ये सब कैसे हिसाब किताब करते हैं पता नहीं, और नाती के भांजा बोलेंगे तो लेकिन वो भी कुछ कम नहीं थी, वो जो चार साल के बेटी थे उनके बड़े भाई के बेटी, उनके माता पिता तो नहीं थे, सिवा से चार भाई पाल रहे थे, वो भी कहा गया कि महाप्रभु के थुकदानी है, पिथुन, पिथुन जानते ना, जहाँ पे थुकदानी पिकदानी, वो पिकदानी था। हाँ, जब एक बार खोल भंगार दंगा, आप लोग तो अभी अभी मायापुर से फ्रेश आए होंगे, अरे जोगपीठ जाएंगे महाप्रभु के स्थान दर्शन करेंगे, उनके बगल में तो मुख्य स्थान तो ही है, खोल भंगार दंगा लिखा है बोर्ड में, यहाँ जो झगड़ा हुआ था जिसमें मृदंग तोड़ दिया गया था काजी की पुलिस लोग आ करके, वो इंसिडेंट वहीं हुआ था, क्योंकि महाप्रभु का प्रकट तो हुआ नहीं था, महाप्रभु जन्म ही नहीं लिए थे, पहले अपने सीनियर लोगों को भेज दिए थे, तो जिनमें से शिवास के परिवार थे एक भाई तो नहीं थे, बाकी ये चार भाई कोई काम नहीं, सब गृहस्थ थे, गृहस्थ थे लेकिन कोई धंधा पानी बिजनेस नहीं, दिन रात हरिनाम कीर्तन करते, कोई बाहर जाए कुछ करे कुछ नहीं करते थे, और ये दिन में तो करते ही थे, रात भर भी कीर्तन करते थे, गांव वाले बड़े परेशान हो गए, बोले रही है क्या भीख भी नहीं मांगता है, कुछ काम भी नहीं करता है, रात को सोने नहीं देता चिल्लाता है, कोई बोलते भाई रात को कीर्तन करता है, नहीं नहीं वो दिन भर खाता तो नहीं, काम धंधा तो करता नहीं, भूख पेट में नींद नहीं होता तो क्या करेगा, तो चिल्लाता है। तो डिसाइड किए क्या चिल्लाता है, कोई रोता थोड़ी, नहीं तो हरिनाम करता है, बोले और गड़बड़ है, हमारे भगवान सोते हैं उनको सोने ही नहीं देता, भगवान को सोने नहीं देगा, रात को डिस्टर्ब करे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, एक्शन लेंगे हमारे ऊपर, तो बहुत विरोध करते थे गांव वाले उनके, तो जा करके जो वहाँ के कलेक्टर था काजी साहब मुसलमान, उनको जाए कंप्लेन किए, हिंदू भी कंप्लेन किए, मुस्लिम तो थे ही कंप्लेन, हिंदू ब्राह्मण लोग भी कंप्लेन किए जा कर, बोले ऐसे ऐसे करता है, तो उन्हें देखा कि तो काजी ने कुछ पुलिस भेजा फोर्स, मेरा जाओ उनको स्टॉप करो, धमकी दे कराओ, तो आ करके मृदंग अगर तोड़ ताड़ दिए, बोले कि अगर दोबारा ऐसा करेंगे अरेस्ट करके ले जाएंगे, सब जेल में डाल देंगे, इसे धमकी दे कर गए तोड़ ताड़ कर, और बाकी जो भी कीर्तन में आए थे सो डर गए, भाग गए सब अपने अपने घर में, शिवास ठाकुर लीडर थे उसमें, तो उन्होंने अब चुपचाप मृदंग तो तोड़ गया, अब जा करके अपने घर में उनका मंदिर था जिसमें श्री नरसिंह भगवान को पूजा करते थे, उनके आराध्य देव नरसिंह जी थे, नरसिंह भगवान को जाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ले, दरवाज़ा बंद करके अंदर से कबाड़ बंद करके नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं क्या करूँ, सब डरे हुए हैं, डर के मारे प्रार्थना करते हैं कि आज तो खोल मृदंग तोड़ दिया, कल क्या करेगा, क्या हम कीर्तन के बिना हम रह नहीं सकते हैं, क्या करें, प्रार्थना करते नरसिंह भगवान के सामने, तब महाप्रभु बिल्कुल कुमार अवस्था था, अब उन्होंने गंगा किनारे टहल रहे थे, तो अंतर्जामी है पता चल गया, गए घूमते फिरते शिवास पंडित घर के सीधा चले गए, जा करके उनके कबाड़ बंद था, वो अंदर बैठा था, वह नृसिंह पूजा कर रहा था, जा करके एक लात मारे दरवाजे को, इतने जोर से लात मारे दरवाजा धड़ से खुला गया, शिवास पंडित क्या हो गया, पीछे देखता है ये निमाई बालक निमाई इतने क्रोध से खड़ा है, तो डर गया है, क्या हो गया उसको, निमाई चिल्लाता है श्रीवास क्या करता है, किसको पूजा करता है तूने, किसको तू पूजा करता है, जिसको पूजा करता है बाहर खड़ा है तू अंदर क्या कर रहा है, श्रीवास बोलता है अरे उसको क्या कहें, ये निमाई को हो क्या गया इसे बोलता है, तो महाप्रभु देखे श्रीवास डर गया समझ नहीं पाता, तो अंदर घुस गए,
मंदिर के अंदर घुसे, मंदिर के अंदर के जा करके सीधा गर्भगृह में चले गए जहाँ भगवान बैठते हैं, जो अल्टर है, विष्णु आसन है, भगवान की जो आसन है, अल्टर है, वहाँ पर जा करके नृसिंह भगवान को उठाकर साइड रख दे, खुद बैठ गए। ये क्या अरे मुहे हो, ये क्या स्वयं वीरासन में बैठ गए। और शिवास पंडित देख रहा है, उनके दो हाथ नहीं चार हाथ है, चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म धारण कर चतुर्भुज लेकर के बैठ गए। शिवास पंडित अचरज आश्चर्य होकर थर थर कांप रहे, ये क्या हो गया, ये तो विष्णु हो गया। तो उनके घर परिवार के सारे लोग दौड़ करके आए, अब देखकर जो दिखे सो डरे, ये तो चतुर्भुज विष्णु बैठे हैं। अब ऐसे बैठ करके उस समय तो बोले करो मेरा स्तुति करो पूजा करो, सब हाथ जोड़ के उनको स्तवन किए पूजा किए आरती किए। तब बोले क्यों डर रहा है, कीर्तन करने के लिए डर रहा है, आपको धमकी दिया इसलिए, कोई डरने की बात नहीं, मैं हूँ साथ में, लेकिन आप है आप क्या करेंगे। तो इसी समय में बोले विश्वास नहीं तेरा, बुला उसको, छोटी बालिका थी 4 साल की नारायणी, नारायणी की बुला करके बोले नारायणी कीर्तन करो, कृष्ण नाम कीर्तन करो। तो उन्होंने हाथ उठा करके 4 साल की छोटी बालिका अबोध शिशु, उन्होंने ऐसे कीर्तन किया कि आंख से आंसू बहना, स्वेदा कंप पुलक अश्रु होकर के विवर्ण होकर गिर पड़ा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। और सारे घर वाले देखी हो क्या गया उसका, हो जाके उठा, फिर उठ करके कृष्ण 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 करके उठा। तो महाप्रभु बोले अभी तो विश्वास हुआ ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, विश्वास नहीं कर सकते। तो इस प्रकार महाप्रभु का जो उनका भगवत्ता, उनके ईश्वरपना का ओपनिंग शिवास के घर में हुआ, और ऐसे तरीका से हुआ कि वो सब डर गए, नृसिंह भगवान को साइड कर दिए। तुम क्या, तुम्हारा जमाना गया, आजकल हमारा जमाना है, ऐसे थोड़ी फाड़ फूड करना, बोले मैंने खुद कीर्तन में सब ठीक कर दूंगा। तो ऐसे कई बार और भी आपने भगवत्ता के प्रकाश किए हैं शिवास के घर में। ऐसे महाप्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से बोले हैं कि मैंने हमेशा 4 स्थान में नित्य विराजमान रहता हूँ, 4 स्थान में रहता हूँ, इसमें से एक स्थान ये है। किसी को पता है 4 स्थान? सबसे पहले सची, कन्फ्यूज है, कौन ठीक से बोल पाएगा, नहीं आप जागा बोलना पड़ेगा ना, राघव पंडित महोदय कहाँ आएंगे, कौन जागा है जिस स्थान पर महापुरुष रहते हैं नित्या। ठीक है सुन लीजिए आपने, सबसे पहले है सचिर अंगन, सची माता के कोटियाड, सचिर अंगिना, सचिर अंगन, फिर श्रीवास के कीर्तन, याद रखना जहां शिवास पंडित कीर्तन करे महाप्रभु वहां प्रकट हो गई, अहो बचना। सची का अंगन, शिवास के कीर्तन, नित्यानंद के नर्तन, नित्यानंद पैर उठाए तो महाप्रभु आना पड़ेगा, प्रेजेंट देना पड़ेगा, नित्यानंद के नर्तन और राघवेर भवन रे अरंधन, जहाँ कुछ कहो राघव उनके सिस्टर दमयंती वो जो कुकिंग करेंगे महाप्रभु जाकर खाना ही पड़ेगा वहाँ कंपल्सरी। तो ये 4 जगह में नित्य, अगर राघव पंडित घर में इसे नहीं रहते, अगर कुकिंग करेंगे भाई बहन तो महाप्रभु जाना ही पड़ेगा खाने के लिए, नो वे। राघव पंडित का घर पानीहाटी में है और शिवास पंडित का घर महाप्रभु के घर में बिल्कुल बाजू में लगा हुआ है, और नित्यानंद प्रभु का तो घर बड़ी है ही नहीं, वो तो 12 साल से अवधूत है सन्यासी, और उनका घर माना जाएगा, उनका जो एड्रेस है पक्का परमानेंट एड्रेस है, शिवास पंडित घर है, उनके घर में रुकते थे। जब घूम फिर के टूर कंप्लीट करके गए, महाप्रभु के साथ प्रथम मिलन हुआ नंदन आचार्य घर में, प्रथम मिलन हुआ, मिलन होने के बाद सभी को इंट्रोड्यूस कराया महाप्रभु की ये है साक्षात बलराम, ये नित्यानंद प्रभु है। तो उनको लेकर बोले कहाँ उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, तो बोले इनका घर में रहेंगे शिवास पंडित। एक बात ध्यान देने की बात है, शिवास पंडित जानते हैं कौन थे वो, हाँ स्वयं नारद जी थे, जो कृष्ण लीला में स्वयं नारद थे और आजन्म ब्रह्मचारी थे,
और इतने बड़े प्रीचर थे कि ना जाने हजारों संख्या में ब्रह्मचारी पैदा बना देते, बड़े उनका रिकॉर्ड खराब था, हाँ स्टूडेंट प्रीचिंग करने में बड़े, हाँ प्रजापति के हेड था दक्ष, उनके पहले सेट के लड़के थे 10,000, एक व्यास थे बड़ा, और वो गए साधन करने के लिए और उनको पकड़ लिए, स्टूडेंट पिचिंग में एक्सपर्ट है, पहुँच गए वहाँ और पहुँच करके उनको ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाए, ऐसे सिखाए कि बोले क्या करो, बोले इसका बोल जाओ क्या ये सब करना है। तो 10,000 लड़कों से कोई एक भी घर में वापस नहीं आया, तब जहाँ तो फ़ोन की व्हाट्सअप ईमेल था नहीं कि मैसेज ही भेज देते ना, मैसेज ही भेजे कुछ नहीं किए, सब विरक्त होकर चल गए। और ये प्रजापति दक्षिण ने याद पता लगा, बोले पुत्र सब गए कोई नहीं आए, कौन कैसे इसे हो गया ना, नारद जी ब्रेनवास कर दे उनका, ब्रेनवास कर दे, चलो और क्या करेंगे नारद। और बड़े दुखी हुए, दुखी होकर बोले दोबारा सेकंड ब्याज ट्रायल के 1,000 लड़के पैदा किए, 1,000 पुत्र, उनको ही बोले जाओ तैयार होकर आओ, सबको गृहस्थ बनना है, सबको संतान उत्पन्न करना है, प्रजा उत्पन्न करना है, सब गए पिताजी के आज्ञा के अनुसार। जैसे गए नारद जी, फिर जाकर पहुँच गए उनके पास, सेकंड ब्याज के पास पहुँचे, यही पाठ पढ़े, बोले आपके सीनियर ब्रदर हैं, आपके बड़े भाई, आप क्या करो, वही फॉलो करना चाहिए, ऐसे उनको सिखाए, वो भी एक पहले वापस आता, कोई नहीं आया, सारे को सारे, और 11,000 लड़के किसका चले जाए, गुस्सा होगा ना, नहीं तो वो तो साफ दे दिया। नारद जी बोले थैंक यू। तो ऐसे प्रसिद्ध है, जहाँ तहाँ घूम करके घर छुड़ाते थे, चाहे मृगारी हो, शिकारी हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, देवता, कहीं जगह में सुपर एक्सपर्ट सक्सेस प्रीचर थे वो। लेकिन वही नारद जी जब इस कलियुग में गौर लीला में आते हैं, अरे ब्रह्मचारी नहीं हो पाए, गृहस्थ बने, और चारों भाई गृहस्थ बने, हाँ वही नारद जी यहाँ गृहस्थ बने, और बने तो, लेकिन हम बोलेंगे चलो कलियुग में नहीं बन पाए, सब गृहस्थ बनना पड़ा नारद जी को भी, लेकिन बने सो गृहस्थ बने तो कैसे गृहस्थ बने, वो श्रीवास जी के चरित्र में देख सकते हैं। चारों भाई है, चारों ही गृहस्थ हैं, शादीशुदा किए हैं, लेकिन कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कोई कुछ नहीं करते, केवल एक ही काम, भगवत कीर्तन। और केवल इतना नहीं, कुछ तो है ही नहीं, कैसे मेंटेन करेंगे, और उनके घर में सबसे ज्यादा गेस्ट, महाप्रभु का तो हेडक्वार्टर वही था, उनके हेडक्वार्टर वही था, वही खुद जाते थे नित्यानंद प्रभु के, उनके घर में रखवाए, उनके गेस्ट हाउस, हेडक्वार्टर, सब कुछ वही था श्रीवास का घर, और जो उनका कोई इनकम सोर्स नहीं था ना, सारे भक्त लोग आएंगे उनके घर में इकट्ठा होंगे, फेस्टिवल ही उनके घर में होगा, सभी कुछ वही घर में होगा। एक बार महाप्रभु पूछे भी, बोले श्रीवास आप बड़े भाई हो, अब चार चार भाई रह गए, और एक ये भी बेटी भी रह गया आपके, उसकी पालन लालन करने के लिए, अब कोई इनकम सोर्स नहीं आपका, हम सभी आपके घर में आते हैं, तो कुछ तो करो, कैसे गृहस्थ चलेगा। तो शिवास बोले क्या करूँ, मैं कुछ सुबह से तो आता नहीं काम दाम करना, कोई मेरा कुछ इसे अभिज्ञता नहीं, क्या काम करूँ, कुछ नहीं काम कर सकते, कोई दुकान फकान करो, कुछ बिजनेस नहीं हो नहीं पाएगा, बस ये थोड़ी हूँ ऐसे नहीं हुआ। तो अगर कोई काम नहीं कर सकता, परिश्रम शुद्ध काम नहीं कर सकता, नहीं हो सकता मैं नहीं हो, तो फिर कुछ नहीं कर सकता, इतने बड़े कुटुंब है तो भी क्या करना पड़ेगा, भीख मांगो जा करके। तो शिवास जी कहते हैं हाँ भीख तो मांग सकता हूँ, लेकिन भीख तो ब्राह्मण ही मांगते हैं, मैं ब्राह्मण ही नहीं हूँ तो भीख किसे मांग सकता हूँ, मैं क्या मांगना नहीं होगा। बोले अरे कोई काम नहीं करेगा, भिक्षा भी नहीं मांगेगा, तो मेंटेनेंस होगा कैसे तेरा, कैसे चलेगा, तू अकेले नहीं, इतने बड़े परिवार है और सारे कुटुंब अतिथि आते थे आपके पास में। तो शिवास पंडित कुछ बोले नहीं, 3 बार ताली बजाए, महाप्रभु पूछे ये क्या कर रहा है, मैं तुझे पूछ रहा हूँ आपका मेंटेनेंस कैसे चलेगा, तू ताली 3 मार रहा है। बोले उसका मतलब यही है कि मैं तो जो कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, बोलो मैं तो पूर्ण समर्पित भाव से कृष्ण के भजन कर रहा हूँ दिन रात। बोले बस, बोले कृष्ण के वचन है भगवद गीता में,
कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है मैं उसका जोग खेमंग बहा में हम मैं उसको जो कमी है सब लकर दूंगा, जो है उनको रखूंगा, जो कम दोनों वहन करूंगा। तो मेरा इस भगवत वाक्य में पूर्ण भरोसा है, तो इसलिए मैं उसी भरोसा से कर रहा हूं। अगर वो अपना वचन पूरा ना करे, काम ना करे, तो मैं क्या करूं? तो नहीं क्या करूं, तो बोले एक ताली। अगर मैं पहले दिन उनके भरोसे में भजन करता हूं कि कृष्ण सप्लाई देंगे, अब सप्लाई नहीं आया, शाम हो गया, घर वाले सब बोले भाई साहब क्या करें, बोलो भगवान की कृपा है, जलाहार करो, फल तो मिलेगा नहीं, कसली है, जलाहार करो, गंगा निकट है, पानी ले आओ, पी लो, बस चला लेंगे सब घर, पानी पीकर रहेंगे उस दिन। बोले फिर, बोले दूसरे दिन फिर वही काम करेंगे, कोई जाएंगे वही कीर्तन करेंगे दूसरे दिन भी। अब शाम तक फिर भी कुछ सप्लाई नहीं आया, भाई देखो कोई कोई एक दिन उपास निर्जला करते हैं, कृष्ण ने हमको डबल दिन कराते हैं, वैसी ज़्यादा कृपा है, हम लोग तो भाग जाते हैं। लेकिन शिवासी बोलते हैं कि दो दिन भी पानी पी करके दूसरा दिन भी चलाएंगे। बोले फिर तीसरा दिन वही काम करेंगे, कीर्तन करेंगे, और तीसरा दिन भी शाम तक अगर कुछ सप्लाई नहीं मिला, बोले हमारे गांव वाले अड़ोस पड़ोस लोग तो कहेंगे हमारा तो हाल खराब हो जाएगा। तीन दिन तक कोई फास्टिंग करे, अब उनका तो बोली ना निकले, चाहे बिल्कुल पेट अंदर घुस जाएगा, सब आँख नाक सब सिकुड़ जाएगा। बोले तीसरे दिन शाम तक तो झेल लूँगा, तीसरा दिन शाम तक तो झेल लूँगा कैसे भी कैसे, लेकिन शाम के बाद और सप्लाई नहीं आया तो क्या करूँगा? बोला मैंने, मुझे तो मरने दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं गला में एक बड़ा बोल्डर पत्थर लाकर बांध कर गंगा में कूद जाऊंगा। बोले क्यों, सुसाइड करेगा? ना सुसाइड मेरे लिए नहीं करूंगा, खाने के भूख के मारे सहन नहीं। तो बोले नहीं, इसके लिए नहीं। बोले किस लिए? ना इसलिए सुसाइड करूंगा क्योंकि आप अपना वचन पूरा नहीं कर रहा है। आपने शास्त्र में बोला कि जो मेरा भजन समर्पण से करेगा मैं उनका सारे देखभाल करूंगा, और तो देखभाल करने में भूखे मर रहे हैं, तो लोग तो मैं तो इसे गाली दे रहे हैं सब गांव वाले, और आपको बोलेंगे देखो कृष्ण भजन कर रहा था, देखो क्या हुआ, देखो कृष्ण उसको मरवा रहा है, देखो ऐसे भूखा पूरे परिवार सब आंख ना कान पीछे गया मर रहे हैं। ऐसे आप जब बदनाम करेंगे तो आपके बदनाम मैं सुन नहीं सकता। मेरे बदनाम तो डेली कर ही रहे हैं, मैं मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लोग निंदा करेंगे, आपके वचन को निंदा करेंगे, वो मेरे से सहन नहीं होगा, सुना नहीं जाएगा, तो मैं इसलिए गंगा में कूद जाकर मरूंगा। और गंगा में कूद कर पत्थर क्यों बांधेगा? ना पत्थर इसलिए बांध कर गंगा में कूदूंगा कि गंगा में कूद जाऊंगा, मर तो जाऊंगा ही, तैरना नहीं आता, लेकिन मर जाने के बाद में अब जब कूद जाऊंगा गंगा में मैं तो डूब जाऊंगा, लेकिन दो तीन घंटे के बाद जब मर जाऊंगा ना तो डेड बॉडी ऊपर आ जाएगा, तो पुलिस पकड़ेंगे, बोले देखो सुसाइड क्या है, मरा भूखे कुछ कर नहीं पाया, निकम्मा निलठा कहीं के मर रहा है गंगा में, तो आपका फिर बदनाम होगा। मेरे डेड बॉडी को देख करके तेरे बदनाम करेंगे, तो इसलिए मैं डेड बॉडी भी आने नहीं दूंगा, लापता हो जाऊंगा, इसलिए पत्थर बांध करके डूब के मरूंगा, ताकि जब लाश हो जाएगा तो ऊपर भी नहीं उठेगा, वो नीचे रहेगा पत्थर के वजन के मारे, तो लोग को पता नहीं चलेगा, बोले पता नहीं कहाँ चला गया। तो आपके बदनाम तो नहीं होगा ना, मैं मर भी जाऊं, मरते मरते मरने के बाद में आपको बदनाम ना दूं, यही मेरा ध्येय है। ये बात को सुन करके चैतन्य महाप्रभु रो पड़े, बोले शिवास ऐसी बात है, इतने भरोसा है, यही है, इसलिए तुम काम ना करते नहीं करते। बोले फिर शिवास तो सुन ले, तुम भी जब इतने वाणी कर मेरा भी वचन सुन ले। महाप्रभु तुरंत उठ करके ऐलान की घोषणा की वहां, बोले मेरा वचन सुन लो श्रीवास सपरिवार, अगर ऐसे कुछ विशेष तकलीफ भी आ जाए, सौभाग्य की देवी वैकुंठ के घरणी लक्ष्मी को भी भीख मांगना पड़े, लेकिन तुझे मेंटेनेंस तक कराएगी, तुम्हारा घर में कमी नहीं आ सकता। ये साक्षात भगवान ने वचन दिए, बोले हो ही नहीं सकता कि मैं क्या, अगर लक्ष्मी को भी भीख मांग कर इकट्ठा करना पड़े, तुझे सप्लाई देना पड़ेगा, तेरे घर में कुछ कमी नहीं रह सकता। तो भगवान के वरदान से शिवास पंडित के घर में कितने उत्सव होता है, कितने अतिथि वैष्णव आते, कुछ कमी नहीं है। भगवान ने लक्ष्मी को अपॉइंटमेंट कर दी, हम लोग देखभाल करते हो यहाँ, इतने भरोसा, मतलब इससे पता चलता है। देखिए नारद जी गृहस्थ तो बने,
लेकिन ऐसे गृहस्थ बने, ऐसे गृहस्थ बने कि निरंतर कृष्ण के प्रति पूर्ण भरोसा में उनके भजन करे, केवल उनके भजन में मन, और कुछ नहीं, एकांत भाव से, अनन्य भाव से। यहाँ तक कि एक बार तो ऐसे हुआ श्रीवासी के, उनके चारों भाई को में एक ही बेटा था श्रीवासी का, और उनका उम्र केवल 16 साल का ही था, बिल्कुल यंग लड़का, हाई स्कूल का लड़का था, 15-16 साल की। तो महाप्रभु जब कीर्तन शुरू किए, शिवास के घर में ही शुरू किए, महाप्रभु का जो कीर्तन विलास शुरू हुआ शिवास के आंगन में हुआ, शिवास के घर में हुआ, तो वो कीर्तन में महाप्रभु बोलते बोली सिलेक्टेड डिवोटी भाग से ले सकते हैं, ये सभी के लिए नहीं है, ये पब्लिक कीर्तन नहीं है, ये कीर्तन केवल सिलेक्टेड आदमी। तो महाप्रभु स्वयं सिलेक्ट करते थे, आपने जो गोष्ठी परिकर भक्तगण है उनको शिवास के आंगन घर में वो जाते थे, वह दरवाजा बंद अंदर से, और शाम से शुरू होता था, रात लेट नाइट तक कीर्तन चलता था। महाप्रभु स्वयं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु स्वयं नाचते थे, गाते थे, और जो साक्षात गोलोक के मालिक वहाँ इस धरती पर आकर नाचेंगे तो वही है स्पेशल। तो उनको देखने के लिए कई प्रकार, कई लीला वर्णन है, लेकिन एक बार जब भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं नाचते थे, कीर्तन करते थे, यहाँ तक कि उनके शिवास पंडित आदि के, उनके भाइयों के किसी पत्नी को भी अलाव नहीं था ना, वो भी नहीं आ सकते। लेकिन एक बार शिवास के बेटा भी नहीं गया था, एक बार डांस चल रहा था और शिवास के बेटा का कुछ तबीयत खराब था, वो डेथ हो गया, उसका मर गया, मर गया। तो 16 साल के यंग लड़का, तो उनके माँ और उनके सारे, उनके जो के होंगे माताएं होंगे सब, बाकी उनके चार भाई के चाची वगैरह जो होंगे, सब मिलकर के वो रोने लगे, बहुत करुण क्रंदन करने लगे, रात हो गया क्या करे, कोई नहीं, ये भी कहाँ चले गए, नाच रहे हैं जाकर घर में, बेटा मर के पड़ा है, ना कोई दवाई ना पानी, डॉक्टर कुछ नहीं, उनको कोई पड़ी नहीं है, है ना, नहीं कहेंगे सब ऐसे कह कर खूब रो रहे हैं। तो रोने का आवाज़ आया नृत्य में, श्रीवास ठाकुर सोचे कि घर में डिस्टर्बेंस कुछ हो रहा है, महाप्रभु को अगर पता चल जाएगा उनके नृत्य में व्याघात होगा, तो धीरे से दरवाज़ा खोल करके पीछे गए घर में, जाकर देखे कि उन्हीं का ही पुत्र, उनका लाश पड़ा हुआ है, मर चुका है, और उनके पत्नी आदि सब सर पीट कर रो रहे हैं। उनके रोना तो नहीं हुआ, उल्टी जाकर उनको धमकी दे, बोले ये क्या कर रहे, रो रहे हैं ना, देख नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ, आप क्यों रो रहे हैं ना, क्यों बेटा मर गया, रोएंगे नहीं ना, रोएंगे अगर महाप्रभु के डांस में, नृत्य में अगर व्याघात होगा तो वो तो मरा, मैं मर जाऊंगा, अभी मैं भी सुसाइड करूंगा। वो डर के बोले ऐसा क्यों, अरे आप लोग कितनी दुर्बुद्धि है, आपको पता नहीं, शास्त्र में वर्णन है कोई व्यक्ति का अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में मरते समय में भगवान का स्मरण ही हो जाए तो उसका सदगति हो जाए, भगवत गति हो जाए, भगवान के स्मरण आ जाए तो, और भगवत नाम उच्चारण तो उससे और पावरफुल। अरे नाम उच्चारण स्मरण किया, इनका तो ये, मेरे बेटा का तो ये महासौभाग्य कि वो मरते समय में साक्षात गोलोकपति वैकुंठ बिहारी भगवान स्वयं अपना घर में डांस ही कर रहे, वो खुद नाच रहे गा रहे, उसी समय जिसका प्राण गया वो कितने कितने महासौभाग्यवान होगा। हमारा कब ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं इस स्थिति पर प्राण छोड़ सकूं, आप रो रहे हैं उसमें। अरे जितनी जगत में जितने लोग हैं सबको मरना के लिए तो आए हैं, मृत्यु लोग हैं, सबको मरना है, लेकिन मरना तो है, लेकिन ऐसे मरना, अरे दे 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 दे। मरने के समय साक्षात भगवान आकर घर में घुस करके नाचे गाए, उस समय प्राण छोड़े, ऐसे महासौभाग्य कैसे मिलेगा, आप रो रहे हैं। इस प्रकार बोल करके उनको डांट करके बोले, अगर फिर भी रोना है आपको संसारिक लक्षण दिखाने के लिए तो बाहर जा करो, भल्यूम लो भल्यूम में, यहाँ साउंड नहीं होना चाहिए। वो बेचारे इतने धमकी डर के चले गए, बेटा का लाश पड़ा हुआ है, रो रहे थे, उनको धमकी देकर चले गए, वो जाकर चुपचाप किसी को नहीं बोले, जाकर दरवाजे में फिर डांस में शामिल हो, कीर्तन में शामिल हो गए। महाप्रभु को पता नहीं चला,
कीर्तन चला, लेट नाइट में कीर्तन जब, तो महाप्रभु बोले आज कीर्तन में कुछ इतना रस नहीं आया, कोई डिस्टर्बेंस तो हुआ, कुछ अघटन ऐसा हुआ क्या, कुछ अघटन शिवास, कोई ऐसा कोई गड़बड़ हुआ क्या आपके घर में? शिवास बोलते हैं प्रभु जहाँ आप स्वयं विराजमान है, आप नृत्य करेंगे और साथ में नित्यानंद प्रभु नृत्य करेंगे, वहाँ अशुभ हो कैसे सकता है? अशुभ का इतने साहस कहाँ है, तो आपके पास आप जहाँ रहेंगे वहाँ आ सके ना? बात तो सही है लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है, अशुभ नहीं तो शुभ कुछ हुआ क्या? शिवास बोलते नहीं शुभ तो होता है, शुभ तो होना चाहिए, लेकिन शिवास ठाकुर फिर भी नहीं बताते थे। लेकिन एक शिवास जी के मित्र थे, उन्होंने शिवास जी जा रहे थे दरवाजा खोल को देख लिया था, अरे वो भी डर गया था, अरे उनका बेटा का ध्यान तो, लेकिन शिवास नहीं बोले किसको, वो भी बोल नहीं सकता था, लेकिन महाप्रभु जो बार बार पूछे वो बोल दिए, बोले शिवास जी नहीं बता रहे हैं उनके बेटा का देहांत हो चुका है। महाप्रभु बोले व्हाट, उनका बेटा मर गया? एक ही एकलौता बेटा था चार भाइयों का ना, अब पड़ा है डेड बॉडी, उसका संस्कार भी नहीं किए, वो गया था बीच में जाकर धमकी देकर आया, वो रो रहे थे, करे बोले भले लो करो, ऐसे करके आ गया। तो महाप्रभु बोले ऐसा मुझे नहीं पता, चलो सबको लेकर के सपरिकर जितने महाप्रभु के निज पार्षद थे सबको लेकर के शिवास जी के घर में गए, घर तो था ही मतलब जहाँ उनका रेसिडेंस में गए। अब जा करके देखे वो बेचारे मुंह में हाथ दे करके ऐसे करके सब पत्नियाँ रो रही है। अब महाप्रभु जाकर पहुँचे, वो डेड बॉडी पड़ा हुआ है कि शाम से मरा हुआ है, सुबह तक बिल्कुल कट मार गया है। महाप्रभु जाकर देखे शिवा शिव खड़े, बाकी सारे भक्त लोग कितने दुख देख करके बड़े आश्चर्य है, वो कैसे हैं शिवास? महाप्रभु उनको देखे, परिवेश को देखे, स्त्रियों को देखे, उनको देखे, बोले गंभीर है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं शिवास पंडित महाभक्त महागंभीर तत्वज्ञानी, शिवास पंडित इतने तत्वज्ञानी थे इसीलिए सहन कर लिए। लेकिन महाप्रभु शिवास के इस गुण को देख करके सभी के सामने उस बेटा को बोले जो डेड बॉडी पड़ा था उसको, बोले बोले रे तुम क्यों शिवास को छोड़ के चला गया? शिवास तो चलो टॉयलेट कर लेता है लेकिन तुम ये सब रो रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, क्यों छोड़ के चला गया? जैसे महाप्रभु इसे बोले सब आश्चर्य, क्या ये डेड बॉडी पड़ा है उसको इसे बोल रहे हैं? जैसे महाप्रभु इसे बोले क्यों छोड़ के चला गया, सभी के आश्चर्य की सीमा ना रहा, वो लड़का उठकर बैठा। कई घंटों के बाद में वो लाश से वो लड़का जो पड़ा हुआ था वो उठ करके बैठा, बैठा नहीं बैठ करके बात करने लगा, प्रणाम किया उठ करके महाप्रभु को, प्रणाम कर हाथ जोड़ के बात करने वाला, प्रभु आप ही का जो नियम है, मैं कौन सा नियम से बाहर कैसे जा सकता हूँ, आपने नियम किया है कि मुझे आज समय इसने मरना था तो आपके बात तो मैंने किया ना, सब तो है लेकिन फिर भी शिवा सुना तो आप बोलो मैं वापस आऊँ क्या ना, तू गया तो उनको बोलकर जाना चाहता ना, आप बोलो तो बोल दूँ ना, बता दो उनको। तो लड़का फिर महाप्रभु से मुंह मोड़ करके शिवास उनके उनके मम्मी पापा की ओर देख करके बोलने लगा, बोले आप क्यों मुझे सोच रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूँ करके, आप लोगों को शर्म आना चाहिए, मैं देवलोक का हूँ, आप मनुष्य लोग का है, मुझे सांप मिला था थोड़े दिन के लिए मैं आया था, अभी सांप पूरा करने कोर्स कंप्लीट करने के लिए आया था, आप मेरे से बेटा बेटा करने लगे है? शर्म नहीं आता? अभी जो रो रहे थे उतने गुस्से में बिल्कुल आंसू सब सूख गया, रोएंगे कैसे, जिनके लिए रो रहे थे वैसे बात कर रहा, बोले मेरा तो टाइम है, मुझे जाना था, मुझे जाना वो तो उनके नियम था इसलिए मैं जा रहा, मैं आया था थोड़ी देर के लिए, मैं आपको बेटा कैसे। अब उनका दुख बिल्कुल खत्म हो गया, इसी जब सुने उनके मुख से अरे रोना धोना सब खत्म, तब फिर अपने इसे बोल करके फिर दोबारा मर गए। तब वो तो जो रोने वाले थे तो चुप हो गए, महाप्रभु इतने करवा दिए चुप हो गए, बोले नहीं उनके लिए रोना होना है तो ऐसा ही। तब फिर महाप्रभु बोले नहीं रोने को उनके लिए कुछ रोने का नहीं, अरे एक लड़का था मर गया को कौन सा इतना, आपको बनी बनाए लड़का मिल जाएंगे अब क्या है, क्यों इधर परेशान होगा, लड़के इसे मिल जाएंगे, बोले एक नहीं दो मिलेगा, एक मैं हूँ एक नित्यानंद है, हम दोनों बनी बने आपके लड़का बन जाते हैं, वही अनाउंस किए। देखिए जिनके भक्ति के प्रभाव से साक्षात परमेश्वर
आपने परिवार परिकर सहित इनके बेटा बेटी बनने के लिए राजी हो जाए, ये क्या कम बात है। पब्लिकली घोषणा किए महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु भी साथ में थे, बोले हम दोनों भाई निताई और मैं, हम आपके दोनों बेटे बनेंगे। मालिनी देवी शिवास की पत्नी थे, अब उनको प्रणाम किए माँ माँ कह करके, बोले अब हमको स्वीकार करो बेटा बनकर। और उस दिन से तो रहते थे शिवास के घर में नित्यानंद प्रभु, जबकि उनकी उम्र था इतना 32-35 साल के, लेकिन छोटे शिशु की तरह रहते थे, छोटे बच्चे की तरह उनके घर में, बिल्कुल बाल्य स्वभाव। उनके माँ मानते ही थे, बाकायदा माँ मानते थे, उनके हाथ में हाथ में कभी खाते नहीं मिले। 35 साल का लड़का कभी अपना हाथ में रोटी नहीं खाएगा ना, वो मालिनी देवी आएंगे उनको गोद में बैठाएंगे खिलाएंगे तब खाएंगे, नहीं खा सकता हाथ में बच्चा, अरे 35 साल की उम्र है। इतना नाश्ता है कुत्ता है, पूरे ऑल इंडिया टूर करके आया था 20 साल, अभी खाते नहीं, अपना हाथ से नहीं खाए, क्या स्वभाव है उनका। इस प्रकार श्रीवास तो महाप्रभु के जितने भी गंभीर लीला नवदीप में, सारे हेडक्वार्टर शिवास पंडित का घर रहा। तो शिवास को महाप्रभु ने उनके हृदय फाड़ करके सारे वरदान दे दिए, और नित्यानंद प्रभु तो उनके घर में ही रहे, सारे लीला कर रहे थे। तो इस प्रकार महाप्रभु के जो नवदीप लीला में शिवास, तो महाप्रभु जन्म होने से पहले से ही जगन्नाथ मिश्र और सची माता की सहायता करते थे, उनके साथ में रहा करते थे। और जब महाप्रभु प्रकट हुआ तभी से शिवास आदि तो सुखी हुए, और हमेशा बचपन से लेकर के घर से निकले तो उनका घर मिटू वहीं से, यहाँ तक कि अद्वित आचार्य भी शांतिपुर से, अपना घर तो शांतिपुर में था, यहाँ से आ करके एक प्लाट खरीदे शिवास आंगन के पास, वहाँ अपना एक प्लाट बनाए, बना करके वहाँ ट्यूशन स्कूल खोले, हाँ वहाँ खोल करके वहीं बैठे। और वहाँ पे जितने नवदीप मायापुर में जो भक्त मंडली है वो सब आते थे पढ़ने के लिए, वहाँ भागवत पढ़ाने लगे दुचरे, वो घर से आकर वहीं बैठ कर पढ़ाने सब आते थे नहीं पढ़ने के। तो यहाँ तक भी तो शिवास आंगन एक ऐसे जगह है आप जाएंगे जहाँ शिवास तो थे ही, सारे पंच तो थे, प्लस अद्वितचार्य भी एक यहाँ बैठे हैं सब, ये जगह इतने महत्वपूर्ण है शिवास की। और जितने भी कीर्तन का है सबके मुख्य जो गृहस्थ के रूप में, सबके केयरटेकर के रूप में शिवास पंडित हैं। और शिवास के लिए ही, शिवास पंडित के दुख के लिए ही महाप्रभु ने नॉन वायलेंस मूवमेंट सबसे पहले भारत में किए थे, असहज अहिंसा आंदोलन। हम कहते हैं कि महात्मा गांधी शुरू के नहीं, उनसे बहुत पहले 500 साल पहले महाप्रभु किए थे काजी के विरुद्ध में, वो दिन में क्यों रात में किए थे बड़ी संख्या में। तो इस प्रकार श्रीवास जी जो साक्षात महाप्रभु के पार्षद है, शुद्ध भक्त में जिनका गणना है, ऐसे के वर्णन आता है श्रीवास ठाकुर जब अभी यंग थे, 16 साल का उम्र था उनका जब, तो इतने प्रेम विलास में इतने बदमाश थे, कोई साफ काम नहीं करते थे, भजन नहीं करते थे, बड़े दुष्ट थे, बड़े दुष्ट बदमाशी करते थे। तो एक बार गए थे वहाँ नवदीप गए थे, सब जानते हैं फेमस है बड़े बदमाश लड़का है, कुछ पढ़ता नहीं सुनता नहीं कुछ नहीं करता, जाके शिवास का क्लास चल रहा था, शिवास नहीं वो देवानंद पंडित की क्लास चलता था, वहाँ जाकर बैठ गए। वहाँ बैठे बोलते हैं कि उनका मरने का समय आ गया था। मरने के समय आने से पहले ऐसी घटना है, जब एक दिन अभी 16 साल का उनका मरने का था, एक दिन उन्होंने उनका गांव में एस्ट्रोलॉजर आया था, तो सब हाथ अगर दिखा रहे थे, वो भी चल गए दिखाने, वो दिखा बोला अरे तेरा तो फिक्स डेट उस दिन मर जाएगा तूने, वो डर गया मर जाएगा ना, हाँ मर जाएगा मैं क्या करूँ ना, तो अब तक सारे बदमाशी करता रहे, भजन करो सीरियसली, तो इतने सीरियसली भजन कर रहा था। तो एक दिन गया था देवानंद पंडित के क्लास में, तो एक क्लास में बैठे बैठे वो शरीर छूट गया, तो उनको बाहर रख दिया, मर गया वो, उनका टाइम था। अभी महाप्रभु के जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन महाप्रभु प्रकट हुए, जन्म होने से पहले शिवासी के लिए प्रकट हुए।
प्रकट होकर के एक थप्पड़ मारे उनको, बोले तू किसी मर जाएगा, उठ, अभी तो मैं आया नहीं, तू ऐसे चला जाएगा, उठ। उठा, उठ करके उनको नारद को आवेश करा दिया उनके शरीर में। तो भगवान ने एडवांस बुकिंग किए वहाँ व्यवस्था। तो इसलिए श्रीवास ऐसे भक्त हो सकते हैं, समर्पित भक्त। तो इस प्रकार श्रीवास पंडित जिनको महाप्रभु ने स्वयं जीवित कराए भक्ति शक्ति दे करके, इसीलिए शुद्ध भक्त में उनका गणना है। और श्रीवास पंडित के कीर्तन, जो महाप्रभु कहते हैं श्रीवास जी अगर कीर्तन शुरू करेंगे तो मैं आऊँगा ही आऊँगा, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। और श्रीवास पंडित के द्वारा महाप्रभु ने ये शिक्षा दिए इस कलियुग में हम लोगों को कि गृहस्थ भी बने, लेकिन कितने भरोसा, कितने समर्पित थे कृष्ण के प्रति, कृष्ण कीर्तन के प्रति, कि किसी के प्रति भ्रूक्षेप ना करके उनके गांव वाले, पड़ोसी, मित्र, राजा, शासक सब उनके विरुद्ध हो गए, नाना प्रकार के उनके पीछे षड्यंत्र किए, कंप्लेन किए, सब कुछ किए। अरे एक बार तो ये एक व्यक्ति उनके गांव में अच्छा खासा व्यक्ति था, उनको बदनाम कराने के लिए श्रीवास को उन्होंने क्या किया, वो देवी पूजक की सब सामग्री, लाल फूल और शराब वगैरह सब ला करके, मांस वगैरह ला करके रात में उनके घर के सामने ये सब रख दिया सजा करके, देवी पूजा के, शक्ति पूजा के। और सुबह उसी रास्ता पर सब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो सबको जो आदमी किया था बदमाश वो सबको बुला कर बोला, देखो ये डुप्लीकेट है, दिन में तो कीर्तन करता है कृष्ण कृष्ण करके, रात को देखो देवी पूजन कर रहा है, ऐसे ढोंगी है, ऐसे गाली दे के सबको बोला। सारे गांव के ब्राह्मण बोलते थे, बोलते हमको विश्वास नहीं हो रहा, श्रीवास ऐसा कर रहा है, ऐसा डुप्लीकेट काम श्रीवास कर रहा है, हमको डाउट है। अरे डाउट क्या, देखो ना हल्के सामने समन रखा हुआ है सब ना, समन तो रखा है लेकिन फिर भी हमको परत नहीं जा रहा है कि श्रीवास, हम बचपन से उनको देख कर आए, वो ऐसा करता है। जो आदमी किया था उनको बदनाम करने के लिए, वो खुद हल्ला करता, लेकिन गांव वाले को विश्वास ही नहीं करने के लिए तैयार है। तो श्रीवास आए बाहर, देखे सब लोग खड़े होकर ये सोच रहे, बोले श्रीवास ये क्या है, जब पूछे कोई विश्वास नहीं करते। तो श्रीवास सबके सामने आकर पूरे गांव वाले के सामने बोलता है, बोले अभी तो समझ लो मैं कितने एक नंबर के ढोंगी हूँ, देखा ना दिन में ये तिलक करके दिखा रहा हूँ कि मैं कृष्ण भक्त, रात में देखो कैसे है, सारे रात में शराब मांस करके सब शक्ति उपासना करता हूँ, दिन में भर दिखाता हूँ कितने डुप्लीकेट कितने ढोंगी, पता चला ना, ये देखिए अभी तो पता चल गया। शिवा स्वयं अपने आप को दोषी बना करके, ढोंगी धोखेबाज बोल करके गांव वाले के सामने इसे घोषणा किए, सारे गांव वाले आबाल वृद्ध बने थे, कोई विश्वास नहीं होने बात, वो चिल्लाते बोले हम समझ गए समझ गए, जो दोषी है कोई खुद नहीं बोलेगा कि मैं दोषी करके, बोल ही नहीं सकता, छिपा गया, तू खुद आकर बोल रहा है, तो कभी ऐसा नहीं कर सकता है ना, किया ही नहीं होगा, जरूर कोई बदमाश आपको बदनाम करने के लिए किया था, और जो किया था वही खड़ा था। आप बोला मेरे सारे प्रयास, मैं नाइट ड्यूटी किया, सब किया, इतने पैसा खर्च कर लिया, तो कोई विश्वास नहीं करते यार, मेरा सारे काम बेकार हो गया। शिवास जी स्वयं बोल रहे थे आपने में इसे धोखाबाज हूं, लेकिन कोई विश्वास नहीं किए, उनके शत्रु भी विश्वास नहीं कर रहे थे। अंततः वो जो व्यक्ति उनको बदनाम करना चाहता था उनके ऊपर भयानक विपत्ति आया, भयानक विपत्ति आया, ऐसे विपत्ति हुआ उनको, ऐसे कुष्ठ व्याधि हो गया। वो जा करके महाप्रभु के चरण में सब बोले, क्या तू गलती के, महाप्रभु सबको उधार करते, उनके पास जाओ, महाप्रभु के चरण में जाकर प्रणाम किया, महाप्रभु गेट आउट, तुझे कभी मैंने कृपा नहीं करूँगा। बोले आप सबको अधम भदम सबको कृपा करूँ, अधम करता हूँ लेकिन अपराधी को नहीं, तू मेरे प्रिय भक्त श्रीवास को अपराध किया है। महाप्रभु अंतर्यामी जानते, अरे हमें तो किया तो हूँ, हमें तो इसे किया था चक्रांत, ना फिर क्या करूँ ना, अगर श्रीवास कर सकता कर सकता, मैं नहीं कर सकता, भगवान रिजेक्ट कर दिए। बोले नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। तो निरुपाय होकर हताश होकर के आया, आ करके वो क्या करें, नाक कान रगड़ करके ऐसी दशा में श्रीवास पंडित के घर में आया, आकर श्रीवास को एकल पड़ के उन चरण पकड़ के गिड़गिड़ाया, बोले आप तो जानते हो मैं कैसा हूँ, सब तो आपको पता है, प्लीज माफ़ कर दो, अभी मर जाऊँगा ऐसी दशा है। बहुत बुरी तरह से जब प्रार्थना मिनती आकुति मिनती करने लगा, श्रीवास उठाकर बोले अरे ऐसा क्यों,
अगर तू सोचता है कि मेरे अपराध के कारण आपके से दंड होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ हे प्रभु अगर मेरे वजह से उनका ऐसे उनको क्षमा कर दो, उनको ठीक कर दो। और ये दूसरे दिन महाप्रभु आ रहे थे, जाके प्रणाम किया, महाप्रभु उठा के आलिंगन के बोले श्रीवास माफ कर दिया, तो फिर मेरे पास क्या हो गया, आपका सर ठीक हो गया, सर ठीक हो गया। उन्होंने वही बोलते हैं श्रीवास ठाकुर उसके फॉलोअर हो गया, देवकी नंदन दास बना उन्होंने, वही ला करके वैष्णव वंदना कविता लिखा उन्होंने भजन। उनके श्रीवास ठाकुर बोले बोले जितने पुरी में मायापुर में वृंदावन में जितने भक्त हैं सभी के वंदना करो, सबके प्रणाम करो, सबके वंदना प्रणाम करने से आपका मनोभीष्ट सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार शिवा शुद्ध भक्त गण में है, जिनको भगवान ने स्वयं शुद्ध किए, सिद्धि दिए, शक्ति दिए, वो सब किए और करके भी बोले कि आप जहाँ कीर्तन करेंगे तो इस प्रकार भक्त जहाँ कीर्तन करेगा महाप्रभु तो आएंगे ही। इस प्रकार के महाप्रभु के निज पार्षद और इतने शक्ति संपन्न भक्त हैं, नवदीप लीला में तो अंत तक वहीं रहे, सची माता को भी गाइड करते थे, जगन्नाथ मिश्र को, विश्वम्भर को, जब निमाय पंडित पढ़ते थे तभी भी जाकर बोलते थे अरे तो पढ़ने लिखने से होगा क्या, जब कृष्ण भजन नहीं करेगा तो भक्ति कर। तो महाप्रभु बालक के रूप में बोलते बोलते एक दिन आएगा मैं ऐसी भक्ति करूँगा आप देखेंगे, आप आशीर्वाद दीजिए। तो शिवास ठाकुर उनको आशीर्वाद देते थे, बोले तुम भक्ति करो। एक बार जब गया गए वापस आए तो उनको केवल रोने लगे कृष्ण कृष्ण कर करके। गांव वाले सब देखे बोले तो बीमार हो गया उसको, क्या बीमार है सची माँ, वैद्य बुलाया, डॉक्टर डॉक्टर आके चेक किया, बोले अरे भयानक बात बीमारी है, ये तो बात विकार है। तो उनको विष्णु तैल नारायण तैल सब ला कर दिए, बोले मसाज करो वो करो, बात बीमारी हो गया। और नाना प्रकार के जड़ी बूटी चिकित्सा कर रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था। तो एक दिन सची माता बाजू में शिवास को बोले शिवास आप तो सीनियर मोस्ट हो, आप देखिए तो क्या हो गया मेरे बेटा को। शिवास आकर देखे, देखकर जब देखे उनके जो लक्षण देख करके बोले बोले ये बीमारी तो बहुत पहले होना चाहिए था उसको, ये बहुत लेट में हुआ, हम लोग इसी बीमारी के लिए बहुत दिन से प्रार्थना करते थे ठाकुर जी को, ऐसी बीमारी कब लगेगा उसको, हाँ बहुत अच्छा ऐसी बीमारी हुआ। ऐसी बात सुन करके श्री निमाय पंडित उठे, बोले शिवास जी मैं इसीलिए माँ के छल से आपको बुलाया था, अगर आप भी जनरल पब्लिक की तरह बोलते कि मैं बीमारी हूँ ना मैं आज गंगा में कूद जाता, लेकिन आप पहचान लिए, बहुत अच्छा शिवास को आलिंगन की। तो इस प्रकार महाप्रभु के लीला में, नवदीप लीला में, हर लीला में मुख्य भाग लेकर के शिवास पंडित महाप्रभु के हमेशा साथ देते थे। और जब महाप्रभु ने संन्यास लेकर के नीलाचल चले आए तब महाप्रभु के विरह में शिवास पंडित भी रह नहीं पाए, वो भी नवदीप छोड़ के चले गए। महाप्रभु नवदीप छोड़ के गए, शिवास पंडित भी सपरिवार नवदीप छोड़ के चले गए, आ करके नवदीप छोड़ के कुमारहट में रहने लगे। अंततः कुमारहट तक रहे, नवदीप गए नहीं, और बोले ना बोले इस जगह पर जहाँ को महाप्रभु छोड़ दिए मैं नहीं जाऊँगा, और यहाँ इसको देखने से दुख होता है उनको, बोले यही पर निमाई खेलता था, यही पर निमाय बैठता था, वही कीर्तन करता था, उसको देख करके परम दुख परम व्यथा होता था, बोले मैं यहाँ देख नहीं सकता, तो दूसरी जगह आकर रहने लगे। इतने आसक्त थे भगवान के प्रति, इतने समर्पित थे भगवत, इतने बड़े भगवत भक्त थे। इस प्रकार शिवास ठाकुर जो भक्त में सर्वश्रेष्ठ है, आज उनके शुभ आविर्भाव तिथि है, तो हम लोग जो उनके अनुजाई होने के लिए मानते हैं, अभी बने नहीं, तो अनुजाई होने के प्रयास करने के नाते शिवास पंडित के आज इस शुभ आविर्भाव तिथि में उनके श्री चरण में प्रार्थना करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे कि हे शिवास ठाकुर जिस प्रकार आपका, हमारा तो हो ही नहीं था स्वप्न में, जिस प्रकार आप भगवत समर्पित थे निमाय पंडित के प्रति, श्री चैतन्य महापुरुष के प्रति जिस प्रकार अपना भक्ति था, भाव था, जिस प्रकार कीर्तन करते थे, जिस प्रकार आसक्ति था, इस प्रकार हम तो नहीं बन पाएंगे, बनने के लिए चाहते भी हैं, हम चाहते हैं आप कृपा करके हमको भी थोड़ा बहुत इसमें लगा लीजिए, क्योंकि जो जो शिवास पंडित के रुद्रद्वार कीर्तन नहीं जा पाते थे, शिवास जी अगर किसको एंट्री करके दे दें तो महाप्रभु को कंसिडर करते थे। वो ब्रह्मचारी पंडित थे नवदीप में, उनको अलाव किए कुछ के, तो शिवास पंडित कर सकते थे, तो शिवास पंडित के कृपा की याचना करेंगे, तो उनके कृपा से हो सके तो महाप्रभु की कृपा मिल जाए।
श्री शिवास पंडित की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।